तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप भाई। तो आज हम खेलने वाले हैं BGMI, खेल रहे हैं आज हम। और मोड मुझे पता है अपडेट आ गया, पर भाई मैं अपडेट नहीं खेल रहा क्योंकि अपडेट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, उसमें कुछ चीज़ अच्छी हैं, तलवार अच्छी है और वो एक स्पाइडरमैन, सस्ता स्पाइडरमैन है, वो भी अच्छा है, पर भाई सिंपल ही खेल रहा हूँ। तो भाई शुरू करते हैं। तो मैं उतरा हूँ पावर प्लांट में, पावर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ मैं। तो भाई हम उतरे पावर प्लांट में, उतरते ही मिलती है स्कारल, और ये पता नहीं कौन सी गन है भाई। बंदे तो यहाँ बहुत उतरते हैं, पर यहाँ पे एक बंदे की ना इतनी लेट लैंडिंग होती है, इतनी लेट लैंडिंग कि मैं क्या बताऊँ। वो देखो उतरा ये बंदा, सबसे लेट लैंडिंग वाला। तो भाई इसकी इसको नॉक कर कितने बेचारा निहत्ता मर गया भाई। इसको बड़ी आसानी से इसकी पीटी बना दी मैंने, बड़े आराम से भाई। यहाँ बहुत बंदे आए हैं, कम से कम 2-3 स्क्वाड तो आई है, और मैं ऊपर ना फंस गया हूँ। तो भाई एक बंदा मारने के बाद नीचे ही बंदे आ गए, तो इसको नॉक करके फिनिश कर दे। तो भाई ये बंदा चौड़ चौड़ में आया था, तो नहीं चौड़ में नॉक हो गया ये। अब इसका टीममेट, मुझे लगता है कि इसका टीममेट इसको रिवाइव देगा, पर भाई इसका टीममेट को रिवाइव ही नहीं देता। ये बंदा आराम से रेंगता हुआ घूमता रहता है और उसका टीममेट को रिवाइव ही नहीं देता। और भाई यहाँ पे मेरा नेट चला जाता है, इसलिए मैं कूदने की कोशिश करता हूँ नीचे, पर मैं कूद नहीं पाता क्योंकि पता नहीं क्या है। भाई मैं फिर बिकर के जाता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ स्टूडियो पर रिवाइव दे रहा होगा, पर वो बंदा इस साइड रेंगता हुआ जा रहा है, अकेला ही बंदा देख। वो बंदा अकेला ही जा रहा है, तो उसकी पेटी डाल देता हूँ मैं। यहाँ बस 2 ही किल हुए हैं, 2 ही किल से क्या ही होगा, और किल करने पड़ेंगे हमें। तो भाई यहाँ एक DP वाला बंदा आएगा, इसको पेलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डैमेज दिया है मैंने, और भाई इस बंदे के साथ देखा क्या स्कैम करता हूँ मैं। इस बंदे ने शायद हेडफोन्स नहीं लगा रखे, मैं इसके पास घूम के जाता हूँ और इसे आता पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ से घूम के आ गया। इसके साथ बहुत गंदा स्कैम होता है, बहुत गंदा। ये देखो मैं कूद के जाता हूँ, इसे पता ही नहीं है कि मैं कूद गया, उसके पीछे आ गया हूँ एकदम। ये TP भी लगा के वहीं खड़ा हुआ है, ये देखो इसकी हरकतें, ये देखो इसको। तो भाई इसकी आराम से इसको नॉक कर दिया, इसको पता ही नहीं होगा कहाँ से नॉक हुआ ये। तो मैं इसको फिनिश करने जाता हूँ, इसका टीममेट पता नहीं कौन से नशे में, भाई इसका टीममेट पता नहीं कौन से नशे में खोया हुआ है, पता नहीं कौन सा गमले डूबा है भाई, ये पता नहीं बंदा क्या करता है। और भाई यहाँ से मैं लूट दबा लेता हूँ, बहुत अच्छी लूट मिलती है यहाँ से। तो यहाँ लूट करने के बाद यहाँ यहीं पर मैं सोचता हूँ कि चला जाऊँ, पर मुझे मिलता है एक तगड़ा सा कैंपर। भाई लूट लाट करने के बाद मैं आता हूँ ऊपर, और UMP वाला बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको पेलते हैं पहले इसको पेलते हैं। चलो भैया पेटी बनाओ इसकी पहले, फिर बात करते हैं। तो भाई इसको नॉक करने के बाद इसकी पेटी बनाते हैं फटाफट। भाई इसको नॉक करने के बाद इसका मैं सोच रहा होता हूँ कि इसका एंड, इसका लास्ट टीममेट भी रश करने आएगा, पर भाई वो बंदा अलग ही चिरांद होता है, वो बंदा कैंप कर लेता है वहाँ पर, लेट जाता है पूरा। अभी दिखाता हूँ आपको। तो भाई यहाँ से फायर आ रहा होता है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, और भाई इतना गंदा, ये इसको देखो अभी, ये देखो इसको भाई, कैंपर और कब से लेटा पड़ा है पता नहीं यहाँ पे। और ये मुझे लगता है कि ये मुझे फाइट लेगा मेरे से, उसने मुझे देख लिया, पर ये फाइट नहीं लेता, इसको पेलते हैं पहले फटाफट। तो भाई ये बहुत डैमेज हो चुका है फटाफट, इसको M4 से फिनिश करके आते हैं, हमें जोन भी जाना है। चलो फिर चलो, फिर भाई इसकी बन गई पेटी। अब इसका लक्कड़ का डिब्बा बन चुका है, ये कैंपर की तो यही औकात होनी चाहिए थी भाई। ये पता नहीं क्यों कैंप करते हैं, गेम खेलने नहीं आते तो मत खेलो ना भाई यहाँ से। फिर लूट लाट के मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तो भाई गाड़ी लेके मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे से मुझे ना फायर आ रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं कहाँ है बंदा। और उसके ऊपर चढ़ते देखो मुझे क्या दिखता है, एक और सांप। तो भाई इसकी पेटी डाल देता हूँ मैं, पता नहीं ये इन सांपों को बस थोड़ी सी घास चाहिए, वहीं पे ही अपना बोरिए बस्तर डाल के वहीं पे बैठ जाएंगे। वो भाई यहाँ यहीं पे ही मेरा पूरा मैच जाने वाला है। हाँ मैं यहाँ पे आता हूँ कि एक दो बंदे मारने जाऊँगा, पर ये देखो सामने ही मुझे 2 बंदे दिखते हैं, पर मैं गोली नहीं मार पाता इनको। भाई मेरा पूरा मैच यहीं पे चला जाता है, पूरा का पूरा। तो भाई यहाँ पे मैंने बोला था ना पूरा मैच यहीं पे बीतेगा, तो ये देखो इस बंदे को, इसको पहले नॉक करता हूँ फिर भाई। तो इसकी पेटी डल जाती है, इसके ना पूरे 4 टीममेट है, एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ, और 3 इसी घर में है भाई। नेड मेरा वहीं पे जाता है, और पता नहीं नेड के साथ क्या अगले चल रहा है, फूटता ही नहीं है बंदा। और मॉली डालता हूँ, मॉली से भी बच जाता है वो। चलो मॉली तो मैंने ऐसी नकली फेंक दी थी, पर वो बच जाता है फिर भी। मैं जाता हूँ नीचे फटाफट, क्योंकि मैंने एक बंदा नॉक कर दिया था, अब ये बंदा रिवाइव देंगे एक को, तो क्यों ना इनकी पीटी डाली जाए। तो मैं फटाफट जाता हूँ, एक मॉली फेंक देता हूँ कि किल विल मिल जाए तो सही है, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता मॉली फेंकने का, क्योंकि बंदे ऊपर होते ही नहीं हैं। बंदे हैं नीचे, तीनों के तीनों बंदे नीचे घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दो बंदा ऊपर होगा, मैं ऊपर जाता हूँ, पर भाई ऊपर नहीं होते, तीनों बंदे नीचे घूम रहे हैं, तो इनको पेलना पड़ेगा तीनों को, तभी अपना चिकन डिनर होगा। तो इनको पेलने की कोशिश करता हूँ मैं भाई, 1v4 देखने तैयार हो करके। इसका दूसरा टीममेट भी आता है यहीं पर ही, फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, फिनिश नहीं कर पाता, पहले इसको नॉक करते हैं।
और भाई अब इसका दूसरा टीममेट ऐसा पैनिक होगा ना, वो इसको रिवाइव करने जगह इसको उठा ही लेगा और मेरे लिए इजी चिकन डिनर करवा देगा इसका टीममेट। भाई मज़ा आ गया, मतलब ऐसे टीममेट रोज मिलने चाहिए। ये देखो भाई, ये देखो इसको, मतलब इसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। उसने रिवाइव की जगह पैनिक में उसको उठा लिया और वो उठा के मेरे मुँह पर ही ले आया, इजी चिकन डिनर दे दिया मुझे। तो भाई अगर आपको ये कमेंटर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ रुको, ये डांस देखते जाओ पहले, ये अभी निंजा तोड़ी बनेगा। हाँ ये रहा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।